नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी दवा और बहुत सारी बीमारियों में आप इसे यूज कर सकते हैं फ्रिक्वेंट बेसिस पे। इंडियन लीच का नाम आपने जरूर सुना होगा, जोंख जिसे बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में दोस्तों, हिरुडो ऑफिसिनेलिस या सैंग्विस्विगा ऑफिसिनेलिस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये एक रेयर मेडिसिन है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सभी लोग यूज नहीं करते बिकॉज सबको जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पर इस दवा का जो मदर टिंचर है या सिक्स पावर जो है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। कहाँ कहाँ देती है, किस कंडीशन में देती है, इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दिया उसे दबा दे, जिससे कि जब भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे आप आगे भी उन्हें देख पाएंगे। दोस्तों, आपने एक विशेष नेचर देखा होगा, जहां पर भी जोंख चिपक जाती है, गांव एरिया में रहने वाले सभी व्यक्तियों को देखा होगा, यहां तक कि चाइना या बहुत सारे एरिया में लीच थेरेपी होती है। इम्प्योर ब्लड को लीच जो होता है सोख लेता है, ऐसा उनका मानना है। बट गांव एरिया में अगर आप देखेंगे, नदी तालाब में अगर कोई नहाने जाता है और लीच अगर वहां पर जोंख चिपक जाती है, उसके बाद अगर आप उसे हटाते हैं, बहुत मुश्किल से वो हटता है और हटने के बाद काफी देर तक ब्लीडिंग होती रहती है। तो चोट के नाम पे बहुत छोटा सा एरिया दिखता है बट ब्लीडिंग काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट अर्थात ब्लड को ना जमने देने के लिए पदार्थ निकलता है, उसे बोलते हैं हिरुडिन, जैसा कि इसका साइंटिफिक नाम था लीच का, हिरुडो ऑफिसिनेलिस। इसके अंदर से निकलने वाला जो एंटी कोगुलेंट है उसे हिरुडिन के नाम से जाना जाता है। तो ये जहां पर चिपकता है हिरुडिन का सिक्रीशन करता है, हिरुडिन निकालता है और खून को सक करता रहता है कि आसानी से खून आता रहे, थक के ना जमे। तो जब ये एनी हाउ हम लोग इसको छुड़ा लेते हैं तो तब भी ब्लड वहां से गिरता रहता है। क्यों? क्योंकि हिरुडिन का जो इफेक्ट है वो बना रहता है। नॉर्मल अवस्था में अगर हम लोग को चोट लगती है तो हमारा जो कोगुलेशन का प्रोसेस है, आसान भाषा में कहें जो जाल बनती है खून या खून की कोशिकाओं की मदद से, वो बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का एंटी कोगुलेंट नहीं होता है वहां पर। तो कोगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, थक्का जमने का जो प्रोसेस होता है, वो आसानी से हो जाता है। पर हिरुडिन क्या करता है, इस प्रोसेस को आसानी से नहीं होने देता और खून की मात्रा काफी ज्यादा बह जाती है। चोट की तुलना में अगर वहां पर जो घाव हुआ है उसकी तुलना अगर की जाए लीच के काटने के बाद, तो घाव छोटा सा पर ब्लीडिंग काफी ज्यादा। तो जी हाँ, आप इसे थेरेप्यूटिकली यूज कर सकते हैं हर उस बीमारी में जहां पर आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा है, कारण नहीं समझ में आ रहा है ब्लीडिंग का, चाहे वो ब्लीडिंग मुंह से हो रही हो, चाहे आपके रेक्टम एनस वाले एरिया से ब्लीडिंग हो रही हो, कान से ब्लीडिंग हो, किसी भी जगह से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा है। यूजली हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, दर्द नहीं है, तो हेमामेलिस मदर टिंचर दे दिया जाए। पैसिव ब्लीडिंग हो रही है अर्थात आपको पता ही नहीं चल रहा है, जैसे फीमेल्स आपको बताएंगे, डॉक्टर साहब मुझे पता ही नहीं चल रहा है और मुझे पीरियड्स वाली ब्लीडिंग होती जा रही है, तो इसे पैसिव ब्लीडिंग की, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि कब ब्लड आ गया, इस तरह की ब्लीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, मिलीफोलियम मदर टिंचर देते हैं। बट कारण अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कोई बीमारी भी नहीं थी या किसी तरह का कोई रीजन भी नहीं था, यहां तक कि कैंसर के केसेस में बहुत सारी जब दवाएं फेल हो जाती है, रेक्टल कैंसर का एक केस आईपीडी में जब हम लोग कॉलेज पीरियड में एडमिट थे मुझे याद है, तब ये दवा मदर टिंचर के फॉर्म में हर चार चार घंटे पर चलाई गई थी। एलोपैथिक बहुत सारी दवाएं फेल होने के बाद भी अपनी दवा जो है दो दिन में रिजल्ट देखे गए पेशेंट को और ब्लीडिंग जो है पेशेंट की रेक्टम एरिया से रुक गई थी। तो बहुत सारे पेशेंट आपको पाइल्स के मिल जाएंगे जो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि मेरी लैटरिन एकदम सॉफ्ट होती है, लैटरिन में कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, एकदम पतली लैटरिन होती है, उसके बाद भी हमें हफ्ते दो दिन में आप देखेंगे ब्लीडिंग हो जा रही है, तो रीजन नहीं है यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। तो यहीं पर दोस्तों आपको सैंग्विस्विगा मदर टिंचर कह लीजिए या हिरुडो मदर टिंचर कह लीजिए, आपको रिजल्ट दे के जाएगा। ऑनलाइन आपको परचेस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफलाइन बहुत ज्यादा लोग इसे यूज नहीं करते हैं, तो ऑफलाइन आपको मिलेगी भी नहीं दुकानों पे, ऑनलाइन ही आपको परचेस करना पड़ेगा। तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम मदर टिंचर को आप ले सकते हैं या चार चार घंटे के रिपीटेशन पे ले सकते हैं। 6 पावर में अगर लेंगे तो सुबह दोपहर शाम 2 बूंद सीधे जबान पर लेना है। अननोन कॉज ऑफ ब्लीडिंग के केस में लीच से बना हुआ ये मदर टिंचर या जोंख से बना हुआ ये मदर टिंचर आपको निराश नहीं करेगा। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।